इंसान के हाथों पर बनी रेखाओं का उसके जीवन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। जिस तरीके से ज्योतिष शास्त्र में किसी व्यक्ति की कुंडली का अध्ययन करके उसके भविष्य के बारे में संपूर्ण जानकारी को प्राप्त किया जा सकता है, ठीक उसी प्रकार से हस्तरेखा ज्योतिष में भी हाथ की लकीरों को देखकर किसी भी इंसान का भविष्य बताया जा सकता है। कई व्यक्तियों की हाथों की लकीरों में राजयोग का सुख होता है। यहाँ पर राजयोग सुख का ये मतलब है कि मंत्री, मुख्यमंत्री, राजदूत, राज्यपाल, न्यायाधीश, वकील आदि योग से है, जिसकी हथेली के बीचों बीच घड़ा, पेड़ या फिर ध्वज की तरह कोई निशान बना होता है, तो उस इंसान को अपने जीवन में राजयोग जरूर मिलता है। इसके अलावा जिस भी इंसान का ललाट चौड़ा होता है और भुजाएं लंबी हो, वह भी राजयोग भोगता है। जिस किसी इंसान की हथेली में धनुष, कमल, आसन और चतुष्कोण बनता हो, उसके ऊपर हमेशा ही देवी लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। और जिसके हाथ में मणिबंध से शनि रेखा मध्यमा उंगली पर जाए, तो वो भी राज सुख भोगता है। जिसके हाथ में तलवार, पहाड़, हल जैसा चिन्ह बना हो, उसके पास कभी भी लक्ष्मी की यानी कि धन की कोई कमी नहीं होती। जब सूर्य रेखा मस्तिष्क रेखा से मिली हो, वो व्यक्ति मुख्यमंत्री या फिर राज्यपाल अपने जीवन में जरूर बनता है। जिस किसी जातक को हाथ में गुरु पर्वत, सूर्य पर्वत उच्छो, वो राज्यपाल होता है। जिसकी हथेली में शनि पर्वत पर त्रिशूल का निशान बना हो, वो राज्य अधिकारी होता है। जब किसी का मंगल पर्वत अधिक ऊंचा हो, तो सूर्य रेखा प्रबल हो, तो वो इंसान अपने जीवन में कलेक्टर या फिर कमिश्नर जरूर बनता है। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल से आर्थिक रिपोर्ट।